हेलो एवरीवन आज हम पढ़ाने वाले हैं लिमिटेशन एक्ट 1963 हम इसको बहुत ही इजी लैंग्वेज में आपको समझाएंगे जिससे आपको सारे सेक्शन जो हैं वो याद हो जाएंगे लिमिटेशन एक्ट जो है ये एक्ट नंबर थर्टी सिक्स है 1963 का इसमें टोटल सेक्शन है थर्टी वन और ये एक जनवरी 1964 को लागू हुआ था और इसकी इनैक्टमेंट डेट है फाइव अक्टूबर नाइनटीन सिक्सटी थ्री एक्ट नंबर ये थर्टी सिक्स है नाइनटीन सिक्सटी थ्री का इसमें टोटल पार्ट है फाइव और इसमें वैसे टोटल सेक्शन थर्टी टू है थर्टी टू सेक्शन जो है वो रिपील हो गया है इसलिए सेक्शन थर्टी वन तक ही हम पढ़ेंगे और इसका अगर हम मेन ऑब्जेक्टिव देखें तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव सिर्फ यही है कि लिटिगेशन का एंड होना चाहिए क्योंकि अगर हर सूट में कोई लिमिटेशन नहीं लगाई जाएगी तो उसका कभी एंड होगा ही नहीं इसका जो सेक्शन वन है वो बताता है शॉर्ट टाइटल एक्सटेंड एंड कमिशमेंट तो इसका शॉर्ट टाइटल होगा लिमिटेशन एक्ट 1963 सिक्सटी थ्री और ये कहाँ कहाँ पर एप्लीकेबल होगा ये पूरे इंडिया पर एप्लीकेबल होगा इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर इसे हम सेक्शन 29 के साथ कनेक्ट करके पढ़ेंगे कि ये कहाँ कहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होगा वैसे सेक्शन ट्वेंटी नाइन की जो हैडिंग है वो सेविंग है उसमें बता रखा है कि ये कहाँ कहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होगा तो सेक्शन ट्वेंटी फाइव इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पर इसका कोई भी इफेक्ट नहीं डलेगा और अगर कोई लोकल लॉ है या कोई स्पेशल लॉ है तो उस पर भी ये एप्लीकेबल नहीं होगा और अगर मैरिज है डाइवोर्स है उससे रिलेटेड कोई लॉ है तो ये उस पर भी एप्लीकेबल नहीं होगा ईजमेंट एक्ट का सेक्शन ट्वेंटी फाइव और ट्वेंटी फाइव सेक्शन ट्वेंटी फाइव और ट्वेंटी सिक्स की जो डेफिनेशन बता रखी है ईजमेंट ने तो ये उसकी टेरिटरीज पर भी एप्लीकेबल नहीं होगा और इस्पेशल नॉन एप्लीकेबलिटी सेक्शन सिक्स और सेवन में जब तक वो कैपेबल नहीं हो जाता है तो जब तक वो कैपेबल नहीं हो जाएगा तब तक लिमिटेशन स्टार्ट नहीं होता है प्रीएमशंस पर भी ये एप्लीकेबल नहीं होता है अब हम आते हैं सेक्शन टू सेक्शन टू बताता है डेफिनेशन क्लॉज डेफिनेशन सबसे पहले बता रखी है एप्लीकेंट एप्लीकेंट में कौन पर्सन आता है पिटिशनर आता है एनी पर्सन जिसका राइट right होता है राइट टू अप्लाई कोई भी पर्सन ऐसा पर्सन जो कि एप्लीकेंट की तरह क्या कर सकता है अप्लाई कर सकता है जिसका राइट right होता है और बता रखा है एनी पर्सन हुज स्टेट इज़ रिप्रेजेंट बाय द एप्लीकेंट एज एग्जीक्यूटर एडमिनिस्ट्रेटर और अदर रिप्रेजेंटेटिव तो कोई भी पर्सन जो एप्लीकेंट की जगह रिप्रेजेंट करता है जैसे कि उसके एल आर होते हैं लीगल रिप्रेजेंटेटिव बी में बता रखा है एप्लीकेशन एप्लीकेशन में इंक्लूड्स होती है पिटीशन सी में बता रखा है बिल ऑफ़ एक्सचेंज बिल ऑफ़ एक्सचेंज में इंक्लूड्स होती हैं हंडीज एंड चेक ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है डी डी में बता रखा है बॉन्ड बॉन्ड में बता रखा है कोई भी इंस्ट्रूमेंट जिससे पर्सन की ऑब्लिगेशन अराइज होती है टू पे मनी ऑब्लिगेशन वॉइड हो जाएगी अगर कंडीशन परफॉर्म नहीं की जाती है ई e में बता रखा है डिफेंडेंट डिफेंडेंट मतलब जिसकी लाइबिलिटी होती है परफॉर्म करने के लिए एफ एफ में बता रखा है ईजमेंट ऐसा राइट right जो कॉन्ट्रैक्ट पर एप्लीकेबल नहीं होता वो पर्सन के कंडक्ट से अराइज होता है फिर आता है जी फॉरेन कंट्री फॉरेन कंट्री जो कि इंडिया में नहीं है अदर देन इंडिया एच गुडविल 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 जो भी काम हम क्या करते हैं ड्यू केयर और अटेंशन से करते हैं उसे गुड फेथ में टू एच गुड फेथ हो गया आईपीसी में हम इसको कहाँ पढ़ते हैं सेक्शन फिफ्टी टू में टू एल टू एल में बता रखा है सूट सूट में डज नॉट इंक्लूड अपील और एप्लीकेशन टू एम एम में बता रखा है टॉट टॉट मीन्स अ सिविल रॉन्ग ज़रूरी नहीं है कि कॉन्ट्रैक्ट या ब्रीच ऑफ ट्रस्ट पर ही हो उसके बाद N में बता रखा है ट्रस्टी ट्रस्टी में कौन इंक्लूड नहीं होता है नॉट इंक्लूड बेनामीदार और मोर्गिजी फिर आता है और कौन से डेफिनेशन रह गई है जे पीरियड ऑफ लिमिटेशन तो वो है जो शेड्यूल में दे रखा है प्रेस्क्राइब पीरियड वो सारे रूल्स एप्लीकेबल करने के बाद जो टाइम पीरियड कम कंप्यूटेड किया जाता है उसे कहते हैं प्रेस्क्राइब पीरियड पीरियड फिर इसका पार्ट टू आ जाता है सेक्शन थ्री बार ऑफ लिमिटेशन कब से लिमिटेशन आप सूट फाइल नहीं कर सकते हैं मतलब कब कब आपको बार लगी है अगर टाइम के बाद वो डिसमिस हो जाता है हम कब मानेंगे कि सूट इंस्टीट्यूट हुआ है तो जिस दिन प्रॉपर प्रॉपर ऑफिसर के सामने प्लेन को प्रेजेंट किया जाता है या जिस दिन इंस्टीट्यूट किया जाता है अगर सूट किसी गरीब के द्वारा किया गया है और उसने परमिशन ली है एप्लीकेशन की तो जिस दिन एप्लीकेशन फ़ाइल की गई है उस दिन से अगर कंपनी के अगेंस्ट किया गया है तो उस दिन माना जाएगा जिस दिन क्लेमेंट ने लिक्विडेटर को एप्लीकेशन भेजी थी उस दिन से माना जाएगा सेट ऑफ़ की अगर सूट इंस्टीट्यूट करना है काउंटर क्लेम को भी मानेंगे सेम डेट जिस दिन आपने ओरिजिनल सूट फाइल किया था एप्लीकेशन देनी पड़ती है हाई कोर्ट में नोटिस ऑफ मोशन की कि कुछ मैटर फाइल करना है तो उस दिन माना जाएगा जिस दिन आपने एप्लीकेशन दी है प्रॉपर ऑफिसर ऑफ कोर्ट को उस दिन माना जाएगा अब आता है सेक्शन फोर एक्सपायरी ऑफ प्रिस्क्राइब पीरियड व्हेन कोर्ट इज़ क्लोज अगर कोर्ट बंद हो जाता है अगर हमारा लिमिटेशन टाइम पीरियड उस दिन ख़त्म हो रहा है जिस दिन कोर्ट बंद हो रहा है तो जिस दिन रीओपन होगा उस दिन से माना जाएगा ये सूट अपील और एप्लीकेशन तीनों पर एप्लीकेबल होता है सेक्शन फाइव एक्सटेंशन ऑफ प्रेसक्राइड पीरियड इन सर्टेन केसेस कुछ केसेस में लिमिटेशन का टाइम पीरियड एक्सटेंड कर दिया जाता है जैसे कि कंडोनेशन ऑफ डिले पर लेकिन ये ऑर्डर नंबर ट्वेंटी वन की एप्लीकेशन प्रोविजंस पर एप्लीकेबल नहीं होता है तो ऑर्डर नंबर ट्वेंटी वन किस बारे में बताता है एग्जीक्यूशन के बारे में अगर हाईकोर्ट के जजमेंट की वजह से मिसलीड हुआ है तो टाइम पीरियड एक्सक्लूड किया जा सकता है ये अपील और एप्लीकेशन पर अप्लाई होता है सूट पर अप्लाई नहीं होता फिर आता है सेक्शन सिक्स सेक्शन सिक्स है लीगल डिसेबिलिटी। लीगल डिसेबिलिटी जहाँ कोई पर्सन सूट इंस्टीट्यूट करते टाइम डिक्री या एग्जीक्यूशन के लिए आवेदन के समय में जब प्रेस्क्राइब पीरियड की गणना की जाती है तो लीगल डिसेबिलिटी किसे कहेंगे अगर कोई पर्सन जो है वो माइनर है इंसेन है इडियट है या कोई ऐसी डिसेबिलिटी है जो उसको हो गई है एक क्वेश्चन आता है क्या कि क्या इंसॉलमेंट लीगल डिसेबिलिटी में आता है तो इंसॉलमेंट लीगल डिसेबिलिटी में नहीं आता है जब उसकी डिसेबिलिटी ख़त्म हो जाती है तब वो सूट फाइल कर सकता है ये सूट प्लस एप्लीकेशन पर एप्लीकेबल होता है अपील पर एप्लीकेबल नहीं होता अगर दो डिसेबिलिटी हो तो जब दोनों डिसेबिलिटी सीज्ड हो जाएंगी तब तक नहीं कर सकता अगर उसकी डेथ हो गई है तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव कर सकते हैं अगर लीगल अगर लीगल रिप्रेजेंटेटिव भी डिसेबल्ड हैं तो सबसेक्शन वन और टू एप्लीकेबल हो जाएगा वहाँ पर अगर डिसेबिलिटीज में ही उसकी डेथ हो गई है तो जो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव हैं वो कर सकते हैं प्री में एक क्वेश्चन आया है कि क्या माइनर में इंक्लूड होता है चाइल्ड इन द यस एक बच्चा जो माँ के गर्व में है वो भी माइनर में माना जाता है सेक्शन सेवन डिसेबिलिटीज ऑफ वन और सेवरल पर्सन मान लीजिए चार लोग हैं चारों डिसेबल्ड हैं तीन माइनर है एक मेजर है लेकिन जो मेजर वाला है वो अनसाउंड माइंड का है तो जॉइंट एप्लीकेशन अगर वो फाइल कर रहे हैं तो उनको राइट है कि सूट फाइल कर सकते हैं अगर सूट का नेचर ऐसा है कि अनसाउंड माइंड कर सकता है तो उसकी कंसेंट के बिना जो टाइम है सबके अगेंस्ट रन करेगा अगर सूट का नेचर ऐसा है तो डिस्चार्ज नहीं किया जा सकता है कि नहीं कर सकते ये एप्लीकेशन और सूट पर एप्लीकेबल होता है अपील पर नहीं होता और इसका एक्सप्लेनेशन वन बताता है दिस सेक्शन अप्लाइज टू अर डिस्चार्ज फ्रॉम एवरी काइंड ऑफ़ लाइबिलिटी यह हर तरह की लाइबिलिटी पे इंक्लूड लाइबिलिटी uh, पर होता है डिस्चार्ज लाइबिलिटी पे भी होता है इंक्लूडिंग द लाइबिलिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी इमोबल प्रॉपर्टी अगर कोई इमोबल प्रॉपर्टी है तो उसके राइट्स और लाइबिलिटीज पर भी अपलिकबल होता है एक्सप्लेनेशन टू बताता है मिताक्षरा लॉ के द्वारा जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का जो करता होता है अन्य सदस्यों की सहमति के बिना भी क्या कर सकता है वो डिस्चार्ज करने के लिए समर्थ माना जाता है सेक्शन सिक्स और सेवन जो है वो प्री एम्शंस पर एप्लीकेबल नहीं होते हैं अब आता है सेक्शन एट ये बताता है जर्नल एक्सेप्शन सेक्शन सिक्स और सेवन प्री एम्शंस पर एप्लीकेबल नहीं होते हैं जिस दिन डिसेबिलिटी सीज्ड हुई है उसके बाद से तीन साल से ज़्यादा का टाइम नहीं दिया जा सकता किसी भी पर्सन को या पर्सन की डेथ होने के बाद तीन साल से ज़्यादा तक का टाइम नहीं दिया जा सकता ये सूट और एप्लीकेशन पर एप्लीकेबल होता है सेक्शन नाइन कंटिन्यूस रनिंग ऑफ टाइम अगर टाइम एक बार स्टार्ट हो गया है तो वो नहीं रुकेगा अगर बीच में कोई डिसेबिलिटी आ गई है इनेबिलिटी आ गई है उससे नहीं रुकेगा टेन और इलेवन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है अब हम आते हैं ट्वेल्थ ट्वेल्थ है एक्सक्लूजन ऑफ टाइम इन लीगल प्रोसीडिंग जब कोई लीगल प्रोसीडिंग चलेगी सूट अपील और एप्लीकेशन में तब कुछ टाइम एक्सक्लूड करेंगे सूट फाइल की अपील फाइल की या एप्लीकेशन फ़ाइल की वो टाइम पीरियड जो आज से शुरू हुआ है उसको एक्सक्लूड कर देंगे लिमिटेशन फॉर अपील अपील और एन एप्लीकेशन और लीव टू अपील और फॉर रिविज़न और फॉर रिव्यू ऑफ़ द जजमेंट तो जजमेंट की कॉपी होनी चाहिए एप्लीकेशन फाइल करने के लिए लीव अपील रिविज़न और रिव्यू की जिस दिन जजमेंट प्रोनाउंस हुआ है उस दिन उसको एक्सक्लूड कर दिया जाएगा जितना टाइम लगा है हमें कॉपी लेने में जो भी डिग्री की कॉपी है या फिर ऑर्डर की कॉपी है जितना टाइम हमें लगा है उसको एक्सक्लूड कर दिया जाएगा अपील रिव्यू या रिविज़न के लिए अगर हम जा रहे हैं तो टाइम रिक्वायर्ड फॉर द ऑप्टेनिंग अ कॉपी ऑफ द जजमेंट एक्सक्लूड कर दिया जाएगा अगर हम अपील रिव्यू या रिविज़न के लिए जा रहे हैं तो जब तक हमें जजमेंट की कॉपी लेने में जितना टाइम लगा है उसको एक्सक्लूड कर दिया जाएगा अगर हम चाहते हैं कोई अवार्ड सेट असाइड हो तो उस अवार्ड की कॉपी लेने में हमें जितना टाइम लगा है उसको एक्सक्लूड कर दिया जाएगा सेक्शन थर्टीन आता है एक्सक्लूजन ऑफ टाइम टू सू और अपील करने की गरीब के तौर पर और जिस दिन वो रिजेक्ट हो गई है उस दिन को एक्सक्लूड कर दिया जाएगा उस टाइम को गुड फेथ में मतलब उसको भरोसा था कि मेरी अपलिकेशन अलाउ होगी लेकिन वो रिजेक्ट हो गई तो वहाँ पर उस टाइम को एक्सक्लूड कर दिया जाएगा ऐसे सूट या अपील के लिए प्रिस्क्राइब कोर्ट फीस दे दिए जाने पर कोर्ट उस सूट या अपील को वहीं पर बल और प्रभाव रखने वाली मानकर चलेगा मानो कोर्ट फीस स्टार्टिंग में ही दे दिए हों सेक्शन फोर्टीन एक्सक्लूसन ऑफ टाइम ऑफ प्रनाउंसिंग बोनाफाइड प्रोड्यूसिंग बोनाफाइड इन कोर्ट विदाउट जोरिडिक्शन जहाँ लगा कि इस कोर्ट को जो रिडिक्शन है सूट फाइल करने का लेकिन जो रिडिक्शन नहीं था तो वो टाइम एक्सक्लूड कर दिया जाएगा जहाँ पर प्लेंटिव हमारा उस प्रोसीडिंग को कंडक्ट कर रहा था और उस टाइम जब वो प्रोसीड कर रहा था तो ड्यू नेग्लिजेंसी ले लिया गया था कोर्ट रियलाइज़ करती है कि यहाँ नहीं होगा तो उस टाइम को एक्सक्लूड कर दिया जाएगा फोर्टीन के थ्री में बता रखा है ऐसी फ्रेश कोई भी ऐसा फ्रेश सूट पर जो ऑर्डर नंबर ट्वेंटी थ्री के रूल टू के सबसेक्शन वन में अगर आप विदड्रॉ कर रहे हैं तब फ्रेश सूट फाइल कर रहे हैं तब सेक्शन फोर्टीन के सबसेक्शन वन वहाँ पर एप्लीकेबल होगा फर्स्ट सूट में जुरिडिक्शन या अदर कॉज ऑफ लाइक नेचर हो फिफ्टीन बता रखा है एक्सक्लूजन ऑफ टाइम इन सर्टेन अदर केसेस अगर टाइम कंप्यूट करना हो कोई भी सूट हो या एप्लीकेशन हो इंजेंशन के द्वारा स्टे कर दिया गया है तो उसके एग्जीक्यूशन के लिए उस टाइम सूट करेंगे जो कि एक्सक्लूड होगा जब तक ऑर्डर इंजेंशन कंटिन्यूज रहेंगे तब तक जब वो इशू किया गया है और जब वो विड्रॉ किया गया है तब तक क्या करेंगे ऐसे ही रहने देंगे ऐसी सूट फाइल करनी है जिसमें पार्टी को पहले नोटिस दे, दे दिया है उसमें प्रीवियस कंसेंट द गवर्नमेंट चाहिए तो टाइम पीरियड वहाँ पे एक्सक्लूड कर दिया जाएगा जितना टाइम हमें लगा है उस कंसेंट को लेने में उसे एक्सक्लूड कर दिया जाएगा अगर रिसीवर या लिक्विडेटर सूट फाइल करना चाहता है तो पीरियड ऑफ एंडिंग विद द एक्सपायरी ऑफ थ्री मंथ जिस दिन सूट इंस्टीट्यूट किया है और जिस दिन एक्सपायर हो रहा है उसके बाद तीन महीने तक अगर उसको अपॉइंट कर दिया जाता है तो उसको एक्सक्लूड कर दिया जाएगा अगर कोई सूट फाइल कर रहा है ऐसा परचेसर जहाँ पर डिक्री को एक्सक्लूड किया गया था परचेसर ने प्रॉपर्टी को ख़रीदा था तो वो टाइम पीरियड एक्सक्लूड होगा जो सेल को सेट करने में टाइम दिया गया था अगर डिफेंडेंट एबसेंट है पूरा टाइम एक्सक्लूड होगा तो जब तक वो एबसेंट है तो वो टाइम भी एक्सक्लूड माना जाएगा सिक्सटीन इफ़ेक्ट ऑफ डेथ ऑरेंट बिफोर ऑफ एक्रल ऑफ़ द राइट टू सू अगर डेथ हो गई है ऐसा पर्सन की जिसका राइट टू सू एक्रल हो रहा हो या डेथ से पहले अगर उसकी मृत्यु के बाद अराइज होना या मृत्यु होने पर अराइज़ हो रहा हो तो लीगल रिप्रजेंटेटिव जब से ऐसे सूट की एप्लीकेशन फ़ाइल की गई होती है वो कैपेबल होते हैं तब से अराइज़ होगा सेवेंटीन है इफेक्ट ऑफ फ्रॉड और मिस्टेक अगर किसी पर्सन के साथ फ्रॉड हुआ है अगर कोई एप्लीकेशन या सूट फाइल कर रहे हैं जिसमें टाइम पीरियड हमें कैलकुलेट करना है फ्रॉड पर बेस्ड था जो डिफेंडेंट ने रिस्पोंडेंट ने या उसके एजेंट ने किया तो वहाँ पे मुझे राइट या टाइटल के बारे में बताया ही नहीं गया कंसील कर दिया फ़्रॉड या डिफेंडेंट ने रिस्पॉन्डेंट ने या एजेंट ने सूट या एप्लीकेशन फ़ाइल की रिलीफ की कॉन्सिक्वेंसिस ऑफ मिस्टेक हुई वहाँ पर ऐसा डॉक्यूमेंट जो नेसेसरी था प्लेंटिव के राइट को एस्टाब्लिश करने के लिए उस डॉक्यूमेंट को ही उन्होंने क्या किया कंसील कर दिया फ्रॉडुलेंट तरीके से तो जब से फ्रॉड हुआ है उसकी डिस्कवरी हो गई है तब से माना जाएगा जब फर्स्ट इंस्टेंसेस से वो डॉक्यूमेंट मंगवा सकता है तब से स्टार्ट होगा इसके प्रोवाइज़ो थर्ड क्लॉज में बता रखा है जब फ्रॉड के बारे में पता चलता है अगर मिस्टेक के बारे में पता चलता है और कंसील्ड के बारे में उसे पहले से ही पता रहता है तब ये एप्लीकेबल नहीं होगा एटीन है इफ़ेक्ट ऑफ एक्नोलिजमेंट इन राइटिंग कुछ लिखकर अपनी लाइबिलिटी को बनाना बनना मतलब अपनी लाइवलिटी को एक्नॉलेजमेंट करना साइन करके फ्रेश टाइम पीरियड लगेगा तो जिस दिन से एक्नॉलेजमेंट किया है उस दिन से नया पीरियड लगेगा अगर एक्नॉलेजमेंट अनडेटेड है तो ओवरऑल एविडेंस दे सकता है वो सेक्शन नाइन्टी टू इंडियन इंडियन एविडेंस एक्ट में से ये तीन साल के लिए होता है सेक्शन नाइनटीन इफेक्ट ऑफ पेमेंट ऑन अकाउंट ऑफ डेप और इंटरेस्ट ऑन लीगलसी किसी पर्सन से डेप्ट मांग रहा है अगर उस डेप्ट का इंटरेस्ट दे दिया लेकिन प्रेस्क्राइब पीरियड ओवर होने से पहले ही दे दिया पार्ट पेमेंट में तो वो टाइम पीरियड होगा जिस दिन पेमेंट किया है एक पर्सन है बी को पाँच लाख रुपए दिए और बोला कि बी को तीन साल में इसको रिटर्न करना है उसने पैसा दे दिया है पहले ही एक जनवरी 2017 को तीस दिसंबर दो हज़ार अट्ठारह को उसने तीन लाख ,00 रुपए रिटर्न कर दिए एक साल के अंदर ही दो लाख बच्चे हैं तो जिस दिन उसने पैसे दिए हैं तीस दिसंबर दो हज़ार अट्ठारह को उस दिन से फ्रेश पीरियड स्टार्ट हो गया है मतलब जिस दिन से आपको पेमेंट मिल जाएगी तब फ्रेश टाइम पीरियड स्टार्ट हो जाएगा सेक्शन ट्वेंटी इफेक्ट ऑफ एक्नोलिजमेंट और पेमेंट ऑफ बाय अनदर पर्सन एटीन और नाइनटीन ट्वेंटी से कनेक्टेड है ट्वेंटी में अनदर पर्सन एजेंट ड्यूली ऑथोराइज इन दिस बिहाफ अगर कोई पर्सन डिसबलिटी के अंडर है तो उसके बिहाफ में एजेंट लॉफुल गार्जियन कमेटी है या मैनेजर है वो ऑथोराइज कर दिए जाते हैं एक्सेप्शन टू बताता है उन पर एप्लीकेबल नहीं होगा जो कि जॉइंट कॉन्ट्रेक्टर हैं पार्टनर हैं एग्जीक्यूटर हैं मॉर्गेजी हैं चार्जेबल बाय रीजन ओनली ऑफ अर रिटर्न एक्नोलिजमेंट साइन बाय और आर पेमेंट मेड बाय एजेंट पेमेंट करता है तो वहाँ पर चार्ज नहीं कर सकते वहाँ पर लाइबल नहीं ठहरा सकते ट्वेंटी वन है इफेक्ट ऑफ सब्सिट्यूटिंग और एडिंग न्यू प्लेंटिव फॉर डिफेंडेंट अगर न्यू प्लेंटिव और डिफेंडेंट ऐड हुआ है या याब्ट्यूट हुआ है तो सूट उस दिन इंस्टीट्यूट माना जाएगा जब वो ऐड हुआ है ट्वेंटी टू बताता है कंटिन्यूइंग ब्रिचिस एंड टॉट फ्रेश लिमिटेशन स्टार्ट होगा जब ब्रिज और टॉट कमिट हुआ है जब तक कंटिन्यू होगा जैसे एक जनवरी को डिफॉमेशन हुआ एक फरवरी को हुआ एक अप्रैल को हुआ तो ये कंटिन्यू माना जाएगा ट्वेंटी थ्री है सूट फॉर कॉम्पनसेशन फॉर एक्ट नॉट एक्शनेबल डैमेज आप एक्शन नहीं ले सकते जब तक स्पेशल डैमेज या इंजरी ना हुई हो जब इंजरी कॉज हुई है उस दिन से लिमिटेशन स्टार्ट होगा सेक्शन ट्वेंटी फोर कंप्यूटेशन ऑफ टाइम मेंशन इन इंस्ट्रूमेंट इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड टाइम पीरियड को कम्प्यूटेशन करना होगा ये किससे uh, किया जाएगा कम्यूट किससे किया जाएगा ग्रेगोरियन कैलेंडर के अकॉर्डिंग टाइम पीरियड को uh, गणना की जाएगी सेक्शन ट्वेंटी फाइव एक्विजिशन ऑफ इजमेंट बाय प्रेस्क्रिप्शन, ऑनरशिप कैसे प्राप्त हुई है बाय पजिशन लाइट या एयर का यूज़ कर रहे हैं पीसफुली आप इंजॉय कर रहे हैं बीस साल तक वाटर और एनी अदर ईजमेंट बिना किसी इंटरप्शन के ट्रू ऑनर उसमें इंटरप्ट नहीं कर रहा है उसको राइट टू एक्सेस मिलता है ईजमेंट बेनिफिशियल इंजॉयमेंट बीस साल के लिए आप कर रहे हैं सबसेक्शन थ्री बताता है जो प्रॉपर्टी का यूज़ कर रहे हैं और जो गवर्नमेंट की है तो आप तीस साल तक उसका यूज़ कर रहे हैं विदाउट एनी इंटरप्शन तो वहाँ पे यूजमेंट अराइज हो जाएगा तो प्राइवेट अगर आप नॉर्मली यूज़ कर रहे हैं बीस साल गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी पर कर रहे हैं तो तीस साल सबसेक्शन टू जो कि टाइम बताया गया है बीस साल के बाद ही आप विद इन टू ईयर के अंदर अंदर अपना राइट क्लेम कर सकते हैं एक्सप्लेनेशन जब कोई डिसकंटिन्यू ना करे इंटरप्शन ना करे अगर आपको एक साल तक उसका इंजॉयमेंट करने नहीं दिया जाता है तो उसको इंटरप्शन कहेंगे ट्वेंटी सिक्स ट्वेंटी सिक्स बताता है एक्सक्लूसन फेवर ऑफ रिवर्जनर ऑफ सर्विनेंट टेनमेंट ये ट्वेंटी फाइव से कनेक्टेड है ये प्रोटेक्ट कर रहा है टेनमेंट को सर्विनेंट टेनमेंट क्या होता है एक पर्सन है उसका घर है बी का प्लॉट वहीं पर है ए ने अपनी कार को पार्किंग में लगा दिया बी के प्लॉट में और वो पार्क करता है वहाँ पर तो बी हुआ उसका सर्विनेंट हेरिटेज और ए हुआ डोमिनेंट हेरिटेज ऑनर हो जाता है सर्विनेंट टेनमेंट रिवर्सनर जिसको प्रॉपर्टी वापस कर देते हैं रिवर्ट बैक कर देते हैं उसे कहा जाता है रिवर्सनर एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए उसको दे रखा है तीन साल के लिए ये माना जाता है अगर आप क्या कर रहे हैं इज़मेंट इंजॉय कर रहे हैं तीन साल से ज़्यादा के लिए या फिर फॉर लाइफ इन्जॉयमेंट कर रहे हैं ट्वेंटी सेवन एस्टिंग्विशमेंट ऑफ राइट टू प्रॉपर्टी जो टाइम टर्मिनेट हो रहा है सूट इंस्टीट्यूट पजेसन ऑफ एनी प्रॉपर्टी बोला है तो विद इन ट्वेल्व ईयर आप कर सकते हैं अगर आपका जो टाइम पीरियड दे रखा है आपको पजेशन के लिए अगर वो ख़त्म हो रहा है तो राइट टू प्रॉपर्टी भी ख़त्म हो जाएगा सेक्शन ट्वेंटी एट रिपील हो चुका है सेक्शन ट्वेंटी नाइन हम पढ़ चुके हैं कि ये कहाँ कहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होता है सेक्शन थर्टी इंपॉर्टेंट है सेक्शन थर्टी में बता रखा है प्रोविज़न फॉर सूट एट एक्स्ट्रा फॉर विच द प्रिस्क्राइब पीरियड इज़ शॉर्टर दैन द प्रेस्क्राइड पीरियड बाय द इंडियन लिमिटेशन एक्ट 1908 इस एक्ट में अगर कोई टाइम पीरियड है तो वो कब है जो पहले वाला था उसमें लिमिटेशन एक्ट जो था वो 1908 था तो 1963 के कमेंट्स होने के बाद में सात साल में सूट फाइल करते हैं दोनों में से जो भी टाइम पीरियड पहले एक्सपायर हो रहा होगा उसे मानेंगे अपील और एप्लीकेशन में ये जो एक्ट है नाइनटीन वाला कम टाइम पीरियड जिसमें दे रखा है 1908 में नब्बे दिन दे रखे हैं तो इन दोनों में से जिसमें भी पहले वाला टाइम पीरियड एक्सपायर हो रहा होगा उसे माना जाएगा थर्टी वन बताता है प्रोविज़न एज टू बार्स और पेंडिंग सूट एट एक्स्ट्रा कहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होगा ऐसा सूट जो बार्ड है नाइनटीन जीरो एट से इस एक्ट के इन्फोर्समेंट आने के बाद में कोई भी सूट या एप्लीकेशन और अपील अगर खत्म हो गया है तो उस पर यह एप्लीकेबल नहीं होगा कोई सूट अपील और एप्लीकेशन पेंडिंग था 1908 में तो जब ये 1963 वाला आया तो वो तब भी पेंडिंग थी तो 1963 वाला एप्लीकेबल नहीं होगा और अगर सूट ये तो सेक्शन 31 तक अब हो गया है बाकी इसमें शेड्यूल में बता रखा है आर्टिकल्स सूट uh, अगर अकाउंट से रिलेटेड होता है तो तीन साल का टाइम पीरियड बता रखा है अगर कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड है तो तीन साल का डिक्लेरेशन का है तीन साल का इंस्ट्रूमेंट है तीन साल का टाइम पीरियड इमोबल प्रॉपर्टी है मॉर्गेज uh, वाली तो तीन साल का इमोबल प्रॉपर्टी ट्रांसफर मॉर्गेजी फॉर अ वैल्यूएशन कंसिडेशन ट्वेल ईयर मॉर्गेजी आफ्टर द मॉर्गेज हैव बीन सेटिस्फाइड तीन साल का है और मिसलिनियस में है एक साल का जहाँ पे कोई टाइम uh, पीरियड नहीं दे रखा वहाँ पे हम थ्री ईयर कर देंगे मोबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड है थ्री ईयर हो गया अपील्स अपील्स के लिए बता रखा है अगर फोर सेवेंटीन के सबसेक्शन टू सी में है तो नाइन्टी डेज और फोर सेवेंटीन के थ्री में है तो थर्टी डेज अगर डेथ सेंटेंस की अपील है तो तीस दिन की होगी हाई कोर्ट में अपील है साठ दिन की और अगर किसी और कोर्ट में है तो तीस दिन होगी समरी प्रोसीडिंग्स में टेन डेज का टाइम है रिव्यू ऑफ जजमेंट बाय कोर्ट देन द एस सी तीस दिन का है एस सी स्पेशल लीव अपील साठ दिन का टाइम है और जहां पे कोई भी टाइम पीरियड नहीं दे रखा है तो वहां पे तीन साल होगा तो ये हमारा पूरा लिमिटेशन एक्ट हो गया है आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी वीडियो को लाइक कीजिए सब्सक्राइब सस्क्रा, कीजिए और ज़्यादा से ज्यादा शेयर